वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद गुड मॉर्निंग। इधर मैं बना रही थी ब्रेकफास्ट अपने लिए। ये मैंने साथ ब्रेड और मैं ऑमलेट लेती हूँ, साथ में चाय बना रही थी। और ये मैंने ये वाली जो एग रेसिपी है, ये बहुत ही यम्मी रेसिपी है, बहुत यम्मी एग बनता है, लेकिन मैं पूरी शेयर नहीं कर सकी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से मैं इसकी प्रॉपर वीडियो शेयर करूँगी। ये टमाटर प्याज और उसके बाद एग, ये एज अ सालन भी बन जाता है, तो ये बहुत मज़े का बनता है, बहुत ही मज़े का बनता है। आप लोग भी इसको लाजमी ट्राई करिएगा और लाजमी खाइएगा। ये सिंपल मेरा ये नाश्ता होता है, क्योंकि मैं तो पराठा वगैरह नहीं खाती, तो सिंपल ब्राउन ब्रेड मैं यूज़ कर रही हूँ और साथ मैंने ऑमलेट बनाया है। उसके बाद जी मैं बना रही थी राजमा और साथ मैं बना रही थी वाइट राइस। मैंने सोचा चले आपके साथ थोड़ी अपनी कुकिंग भी शेयर करती हूँ, साथ कुछ बातें भी करते हैं। आज मैं अपनी वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में बात करूँगी कि लिविंग पुर्तगाल में लिविंग एक्सपेंसेस क्या हैं और यहाँ पे कितनी सैलरीज होती हैं, क्योंकि मोस्टली 2-3 लोगों ने मुझे पर्सनली बोला कि आप इस टॉपिक में वीडियो बनाए, तो मैंने सोचा चले आज इस टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं। तो नॉर्मली तो यहाँ पे आपको सबको पता है कि यहाँ पुर्तगाल में जो बेसिक सैलरी है वो है 760 यूरो। तो उसमें क्या होता है कि कुछ जो होते हैं जो ऑनर्स होते हैं वो टैक्स खुद से पे करते हैं, कुछ होते हैं जो सैलरी में से लेते हैं। तो टैक्स वगैरह दे के नॉर्मल आपके पास 600 बच जाता है, जिसमें आपने रेंट वगैरह भी देने होते हैं और अपना खाना पीना भी करना होता है, और भी चीज़ें जो बस कार्ड वगैरह सब कुछ आपको मैनेज करना पड़ता है। तो नॉर्मल यहाँ पे ज़्यादातर लोग तो शेयरिंग में रहते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे सबसे पहली बात तो घर मिल जाती है, लेकिन आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। जो पुर्तगीज से अगर आप गाड़ लेते हैं ना, तो वो मोस्टली जो है ना वो एशियन को इग्नोर ही करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर एशियंस क्या करते हैं कि वो अपने वो मैनेज नहीं कर पाते अपना रेंट वगैरह, तो वो शेयरिंग में रख लेते हैं, जिसकी वजह से घर में काफ़ी ज़्यादा लोग हो जाते हैं। तो ये बात उन पुर्तगीज ऑनर्स को पता चलती है, तो वो मोस्टली अवॉइड करते हैं, लेकिन फिर भी किसी के रेफरेंस से आपको घर मिल ही जाता है। तो हमें भी 3 साल हो गए, तो हम भी ऑलमोस्ट अभी शेयरिंग में रह रहे हैं, क्योंकि अभी उस तरह मेरे हस्बैंड की भी उस तरह की जॉब नहीं है, इंशाल्लाह वो भी होगी जॉब भी। तो शेयरिंग में तो पहले हम 2020 में जब आए थे, तो हम रेंट देते होते थे 250 यूरो एक रूम का देते थे, लेकिन साथ साथ 2-3 सालों में जो है ना वो रेंट बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। फिर हम 350 पे भी देते रहे, लेकिन अब हमारा रेंट ऑलमोस्ट 450 हो गया है। तो जिसमें अब ये 450 दे के बाकी सारा खाना पीना भी करना होता है। चलो ये होता है कि बेबी के जो है वो मंथली पैसे भी आते हैं, जिसमें उसका चलो हो जाता है कि पैम्पर्स वगैरह। तो ज़्यादातर शेयरिंग में एक रूम जो होता है ना, उसका रेंट ऑलमोस्ट मोस्टली लोगों ने 500 से ज़्यादा ही कर दिया है। तो एक रूम का इतना रेंट हो गया 500। बाकी ग्रोसरी वगैरह वो भी ऑलमोस्ट जब हम शुरू में आए थे, तो ग्रोसरी वगैरह भी हम 100 यूरो में 150 यूरो में हमारी हो जाती थी, लेकिन अब जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, तो अब तो 300 400 500 कहीं नहीं जाता। ये तो साथ साथ मैं मेरी रेसिपी भी देखे थे, जाए मैं बना रही थी राजमा, देखे कलर तो अच्छा नज़र आ रहा है, मैं काफ़ी टाइम के बाद बना रही थी, क्योंकि हम कॉन्टिनेंट के हमें नज़र आया, तो सोचा कि चले मैंने सोचा कि चले आज वाइट राइस और राजमा बनाती हूँ, तो काफ़ी मज़े का लग रहा था। साथ साथ मेरी कुकिंग भी देखते जाए, साथ साथ मेरी बातें भी सुनते जाए। तो उसके बाद जो ग्रोसरी पे आप पे डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी अगर आप कम भी खर्चा करें ना, तब भी आपका ऑलमोस्ट 400-300 लग ही जाता है। तो उसके बाद ट्रैवल कार्ड भी होता है, वो 40 यूरो में चार्ज होता है, जिसमें आप क्या होता है कि आप लिस्बन में जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। मोस्टली जो है वो लिस्बन के बाहर कोई एरियाज ऐसे हैं कि जहाँ पे रेंट कम ही है घर के, लाइक 300-400। लाइक पोर्टिमो में एक फैमिली रहती है, उनका रेंट ऑलमोस्ट 350 है एक घर का, मतलब वन रूम अपार्टमेंट का। तो लेकिन लिस्बन में घर जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है। हम भी लिस्बन को इसलिए नहीं छोड़े, क्योंकि मेरे हस्बैंड का जॉब वगैरह इधर है, बाकी सेंट्रल साउथ वगैरह और भी चीज़ें काफ़ी देखनी पड़ती हैं, तो दिल भी लग गया, तो ऑलमोस्ट फिर इधर ही रहते हैं हम।
मैंने तो फिर साथ साथ क्या होता है कि कभी कभी और भी हमें शॉपिंग भी करनी पड़ जाती है, लेकिन शॉपिंग का माल मोस्ट 2-3 months के बाद ही करते हैं, नहीं करते इतनी ज़्यादा। साथ मेडिसिन्स वगैरह भी, इधर मेडिसिन्स बहुत एक्सपेंसिव आती हैं, लेकिन मेडिकल तो फ्री है लेकिन मेडिसिन एक्सपेंसिव आती है। तो मोस्टली मैं क्या करती हूँ कि मेडिसिन्स वगैरह पाकिस्तान से हम लोग मंगवा लेते हैं, तो बस ऐसे ही फिर चल चल रहा है। बाकी ग्रोसरी तो उस दिन मैंने आपको दिखाई थी, कॉन्टिनेंट की आइटम्स वगैरह दिखाए थे, तो आपको उस अंदाज़ा हो सकता है कि कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव था। ये देखिए मेरे राइस तो देखिए आप, कितनी अच्छी इसकी लुक नज़र आ रही है। ये देखें, साथ मैंने कटलेट्स बनाया, साथ मैंने सैलड काटा, और ये मैंने बनाई थी अपने हस्बैंड की प्लेट। तो उसके बाद क्या था, मौसम काफ़ी अच्छा था आज का, और धूप वगैरह निकली हुई थी, तो मैंने और मेरे बेटे ने सोचा कि हम कहीं घूमने जाते हैं, मेरी एक फ्रेंड है तो हमने सोचा चले उसकी तरफ जाते हैं। जिस एरिया में हम रहते हैं तो ये काफ़ी अच्छा एरिया है, लाइक अमादोरा। अमादोरा तो सबने ही सुना होना है, उसके साथ एक है किलियुश, उसके साथ हम रहते हैं। तो यहाँ पे हमारे बैंक वगैरह और हर सुपरमार्केट हमारे पास है, सेंटर साउथ हर चीज़ हमारे पास है, ये बैंक है सामने। और चाइनीज़ शॉप्स भी, कभी मैं आपको चाइनीज़ शॉप का भी विज़िट करवाऊँगी, ये पिंको दोस वगैरह हर चीज़ हमारे पास है। ये फ्लावर कितना प्यारा मुझे लग रहा था। तो उसके बाद हम लोग तो ट्रेन पे जा रहे थे, ट्रेन पे मंथली चार्ज जो होता है वो हम 40 यूरो में करवा सकते हैं, लेकिन हमने ट्रैवल ही नहीं करना था ज़्यादा, तो इसकी टिकट मैंने सोचा कि मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ कि टिकट कैसे आप अपने कार्ड में रिचार्ज करवा सकते हैं, लेकिन ये मशीन उस वक्त वर्किंग ही नहीं कर रही थी। ये कार्ड होता है तो इस पे आपको अपनी टिकट रिचार्ज करवानी पड़ती है, लाइक इसकी प्राइस होती है, इसके डिफरेंट स्टेशन पे डिपेंड करता है। जहाँ मैं जा रही थी उसकी 1 यूरो 65 सेंट थी टिकट, तो हम लोग जा रहे थे। मैंने यहाँ पे वीडियो बनाने की कोशिश की थी कि मैं चलो दिखाती हूँ, लेकिन यहाँ पे नहीं बन पाई वीडियो। उसके बाद हम लोग कार्ड वगैरह स्कैन करके हम लोग नीचे आ गए, ये देखिए जी। तो अब हम जा रहे थे, तो साथ साथ मेरी बात वहीं पे रहेगी। तो बाकी मैंने आपको ये भी बता दिया, घरों के बारे में भी बता दिया, ग्रोसरी के बारे में बता दिया, मेडिकल भी। तो बस जो है यहाँ पे लोग सुपरमार्केट में भी जॉब्स करते हैं, तो कुछ जो लोग फूड डिलीवरी करते हैं ना उनका भी इतना ही मोस्टली होता है, मैं 1000 वगैरह 1000 बन जाता है, लेकिन जो ऊबर टैक्सी करते हैं ना उनका भी 2000 3000 इतना तो हो ही जाता है। तो आप भी हमारे लिए दुआ कीजिएगा लाजमी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला एक अच्छा वक्त दिखाए। असल में जब मैं और मेरे हस्बैंड आए थे, हम लोग मतलब इकट्ठे आए थे ना, तो उसकी हम ज़ीरो थे, हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया, लेकिन फैमिली के साथ जो है वो इधर गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हस्बैंड पहले आया होता वो आके स्ट्रगल करता तो उस तरह ईजी हो जाता है। सिंतरा आए थे, सिंतरा तो बहुत ही प्यारा एरिया है, तो यहाँ पे ग्रीनरी भी काफ़ी अच्छी होती है, तो यहाँ पे बिल्डिंग्स भी बहुत प्यारी हैं, और यहाँ पे रेंट हाउस रेंट वही है कि यहाँ पे लिस्बन में हर जगह में हाउस रेंट बहुत ज़्यादा है। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा मौसम हुआ था आज, तो हम लोगों ने सोचा चलिए अपनी फ्रेंड की तरफ ही चलते हैं, और साथ साथ अपने बेटे को भी लेके जा रही थी। अब मेरी बातें अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मुझे लाजमी कमेंट करिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह पूरा गाइड करूँगी। साथ बच्चे के साथ तो वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल है, थोड़ा वो मैं साथ साथ उसको भी देख रही थी, साथ साथ वीडियो भी बना रही थी, तो मुझे प्लीज़ लाजमी सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट, अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरी वीडियो को वॉच करेंगे तो मुझे मज़ीद मोटिवेशन मिलेगी।
तो चैनल मैंने इसीलिए बनाया है कि चले मैं थोड़ा सा हम इंशाल्लाह इस पर थोड़ा वर्क करूँगी और इंशाल्लाह थोड़ा सा इसे अर्न होगा तो शायद अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकूँ। इसलिए आप वीडियो को लाजमी लाइक करें, वॉच करें। या यहाँ पे उसके जो है बिल्डिंग में लिफ्ट वगैरह भी थी तो ये मुझे अच्छा लगा क्योंकि हमारी बिल्डिंग में लिफ्ट वगैरह नहीं है तो हम फोर्थ फ्लोर में रहते हैं तो हमें ऐसे फोर्थ फ्लोर से आना पड़ता है। तो चलिए एक्सरसाइज ही होती है। उसके बाद इसका घर तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है, वन बेडरूम अपार्टमेंट है। यहाँ पे जुहान तो इंजॉय करता है, इसको टीवी वगैरह नज़र आता है तो टीवी भी देख रहा था और साथ साथ हमने उसने जो है ये माशाल्लाह उसके बाद साथ साथ उसने क्या बना उसने पकौड़े बनाए थे और राइस भी बना लिए थे तो हमने खाना वगैरह खाया, बहुत मज़ा आया। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो लास्ट भी लाइक करिएगा। चलिए जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में।